हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग्स। तो गाइस, शुरुआत करते एक और ब्लॉग की। तो गाइस, जैसा आपको पता है, मैं शिमला आया हुआ हूँ। शिमला के शोगी से थोड़ी सी पास में है आनंदपुर। फिलहाल मैं वहाँ स्टे किया हुआ, ये हमारा होटल रहा द अल्पाइन। तो इसी होटल में मैं दो दिन रुका हूँ। अब इसको बाय बाय बोलने का समय आ गया। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से दूसरे होटल में, ठीक है, जो शिमला में। शिमला बिल्कुल मेरे सामने 10 किलोमीटर दूरी पे है। हम उससे 10 किलोमीटर इस साइड है। तो अभी गाड़ी आ रही है, बुक कर रखी है, तो गाड़ी आएगी, तो उसके बाद हम जा रहे हैं दूसरे होटल में, ठीक है। फिर वहाँ उस होटल में जाने के बाद, वहाँ स्टे करने के बाद, आपको मैं वहाँ शिमला में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए, जैसे जाखू टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, ठीक है, और एक दो मार्केट है, मॉल रोड हो गया, वो सारी चीज़ आपको वहाँ जाके दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ अगर इस होटल की मैं बात करूँ, द अल्पाइन, इसके बिल्कुल पास में है ऊपर चढ़ के जैसे तारा देवी टेम्पल, ठीक है, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा। और यहाँ की बात करूँ मैं, जैसे ये है द अल्पाइन, इसके बिल्कुल सामने 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई, यहाँ से 3 किलोमीटर होटल से मैं बात करूँ, 3 किलोमीटर की चढ़ाई है तारा देवी टेम्पल की, तारा देवी मंदिर की, ठीक है। तो काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, वहाँ पे बसें भी जाती है, अपने पर्सनल व्हीकल भी आप लेके जा सकते हो, अदरवाइज़ आपको पैदल वॉक करके जाना तो वो भी जा सकते हो, ठीक है। आने जाने के लिए बस चल रही है। और अगर मैं अल्पाइन के होटल के इस साइड की बात करूँ, ऊपर की तरफ जाके, तो यहाँ है साइंस म्यूज़ियम, ठीक है। साइंस से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी, जो भी आज तक साइंस हुई है, मतलब काफ़ी सारी है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देख भी लिया होगा कि साइंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, जितनी मैं दिखा पाया। अगर आप यहाँ आओ, अल्पाइन होटल में स्टे करो, उसके बाद जाके आप साइंस म्यूज़ियम देख सकते हो, ठीक है। वो रहा बिल्कुल टॉप के ऊपर, तारा देवी मंदिर भी है। और साइंस म्यूज़ियम की मैं बता देता हूँ आपको, अडल्ट और टीचर की 50 रुपये टिकट है, और अनदर कोई आता है तो उसकी 100 रुपये टिकट है। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने सेकंड होटल में, जिसका नाम है पैराडाइज विलेज रिजॉर्ट। तो हम, जैसा मैं पहले अभी आपने देखा, दूसरे होटल से, जो पहले वाला होटल था हमारा, उससे हम बिल्कुल टॉप पे थे। टॉप के व्यू से आपको सारा दिखा रहे थे, तारा देवी टेम्पल था और आसपास शिमला जितना था। बट अब हम बॉटम में आ गए बॉटम में आ गए गाइस, बहुत नीचे आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा शांति है, जंगल के बीच में आ गए हम, बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, बिल्कुल काफ़ी ऊँचे ऊँचे हमारे घर हैं, और बिल्कुल बॉटम में हम आ चुके हैं अभी। या तो हमें कोई नहीं दिख रहा आसपास, सिर्फ पेड़ ही पेड़ है जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। तो बैक कैमरे से मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि गाइस कितनी ऊपर होटल बने हुए हैं, और हम आ चुके हैं बिल्कुल बॉटम में। यहाँ से आप व्यू देखिए, वो व्यू रहा काफ़ी ऊपर तक है। फिलहाल हमारे रूम भी है, वहाँ पे हम स्टे करेंगे। काफ़ी, तो फाइनली हम पहुँच गए थे पैराडाइज विलेज रिजॉर्ट में। तो अभी हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ये आप जो लाइटें देख ले, ये सारे इन रूम के बाहर लगी हुई है, ठीक है। ये 5 रूम है लैंददार, और इसके बाद एक इसके नीचे, 2 एक बिल्कुल सामने, टोटल 8 रूम है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ रुके हुए हैं, आज की नाइट है, क्यों वहाँ द अल्पाइन होटल से हम यहाँ आए थे ना, 5:30 बजे आए थे, तो 6:30 बज गए थे हमें यहाँ पे। तो अभी 7:30 हुए पड़े हैं, तो उसके बाद अब 8 बजे डिनर भी हमारा। और इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो इन फार होगी, तारों के बीच में इतना अंधेरा और इतनी सुहानी, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और मैंने जैकेट डाल रखा फ़िलहाल। तो यहाँ पे बोन फायर होता है, म्यूज़िक भी है हमारे पास, और डांस भी होगा, काफ़ी सारी जगह है। तो यहाँ पे बोन फायर जला के, उसके चारों ओर बैठ के म्यूज़िक, अच्छा डांस वांस करेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए
मैं बता देता हूँ, द एल्पाइन था हमारा टॉप पे, और उसके टॉप पे था वो क्या कहते हैं तारा देवी मंदिर, ठीक है। तारा देवी मंदिर से फिर हम एल्पाइन पे, अब बिल्कुल हम बॉटम में आ चुके हैं। आप देख सकते हो वो सारी लाइटें जो हमें तारा देवी मंदिर से बिल्कुल नीचे लगती थी, अब उन लाइटों के भी हम बिल्कुल बॉटम में आए हुए हैं। बिल्कुल जंगल है, कोई आवाज़ तक नहीं है, इतनी शांति है ना, आप खुद फील कर सकते हो। सिर्फ आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, इसके साथ आपको कोई वॉइस नहीं देख सुनाई दे रही होगी। तो बिल्कुल तो बॉटम में पड़े हम, बॉटम में आए हुए हैं, ठीक है, रिजॉर्ट में आज, और इन्हीं रूम के अंदर आज हम स्टे करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर से रूम दिखा देता हूँ, अंदर से रूम कैसा है, ठीक है। तो चल रहे हैं, ये साथ में हमारे रूम है, वो हमारा बॉनफायर होएगा, वो तारों के बीच में, जो कि हम कल करेंगे। तो अभी चलिए हम अंदर से आपको रूम दिखाते हैं। तो चलिए अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ रूम हमारा। तो ये है ये भाई, हेलो। तो ये हमारा बेड है, डबल बेड। ये अलमारी है, इसमें कंबल कुंबल रखे हैं कि ठंड होती है रात को, ठीक है। और ये हमारे लगेज हो गए, ठीक है। यहाँ से ये विंडो हो जाएगी, सामने का व्यू। फ़िलहाल तो अंधेरा हो चुका है बहुत, मॉर्निंग व्यू आपको दिखाते हैं। और उसके बाद ये बेड हो गया, LCD होगी, ठीक है। और ये मिरर मिल जाता है हमें, और उसके बाद ये टॉयलेट कुछ इस तरह का है, बिल्कुल साफ, ठीक है। और ये रूम के बाहर आप बालकनी देख सकते हो, ये बालकनी है, दो कुर्सियाँ लगा रखी, यहाँ से आप मॉर्निंग व्यू देख सकते हो, काफ़ी प्यारा व्यू है यहाँ से। तो अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, अभी मैं डिनर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ मेरे आने वाले शिमला की जितने ब्लॉग्स है या होटल्स की जितनी वीडियो, वो सारी आपको सूरज जनागल यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो मिलते इसी तरह जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।